हेलो गाइस वेलकम टू बंगलू इंजीनियर्स इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन समझेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए क्योंकि हमारे जो आगे आने वाले सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और स्ट्रक्चरल एनालिसिस अगर आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ा है इसके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हैं तो आगे आने वाले जो भी सब्जेक्ट हैं उनमें आपको बहुत आसानी होती है कॉन्सेप्ट समझने में सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन डेफिनेशन देखते हैं मैकेनिक्स की तो मैकेनिक्स की डेफिनेशन ये कहती है मैकेनिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेज ऑन द बॉडीज मे बी एट रेस्ट और इन मोशन कोई भी बॉडी चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में है उस पर जितने भी फिजिकल फोर्सेस लगते हैं उनका अध्ययन करने को हम मैकेनिक्स कहते हैं फिजिकल फोर्सेस इसलिए जैसे कि कोई भी बॉडी है जो अगर मान लीजिए किसी बॉडी को हमने धूप में रख दिया और धूप में रखे रखे उसका एक्सपेंशन हो गया तो उस पर स्ट्रेसेस तो आते हैं तो उनको हम मैकेनिक्स में स्टडी नहीं करते हैं जो भी फिजिकल फोर्सेस हम लगाते हैं उनको ही हम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं अब मैकेनिक्स को दो ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं क्लासिफाई कर सकते हैं पहला होता है सॉलिड मैकेनिक्स और दूसरा होता है फ्लूड मैकेनिक्स फ्लूड मैकेनिक्स एक अलग पूरा सब्जेक्ट है हम पूरा पढ़ते हैं सिविल इंजीनियरिंग में फ्लूड मैकेनिक्स और सॉलिड मैकेनिक्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं सॉलिड मैकेनिक्स को दो तरीके से फर्दर डिवाइड किया गया है पहला होता है रिजिड बॉडी मैकेनिक्स और सेकेंड होता है डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स तो रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होती है रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिस पे भी जिस पे आप चाहे भले ही कितने ही फोर्सेस लगा दो पर आप उसका शेप और साइज़ चेंज नहीं कर सकते और डिफॉर्मेबल बॉडी वो होती है कि जिसका शेप या साइज़ जो है वो चेंज कर सकते है तो अगर हम रियलिटी की बात करें एक्चुअल में तो एक्चुअल में ऐसी कोई बॉडी नहीं होती है कि जो रिजिट होती है मतलब ऐसी कोई बॉडी नहीं होती जिसका आप शेप या साइज़ चेंज नहीं कर सकते किसी ना किसी एक ऐसी वैल्यू ज़रूर होगी फोर्स पे, भले ही वो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो पर एक ऐसी वैल्यू ज़रूर होगी जिस पे कि आप उसका शेप या साइज़ जो है चेंज कर सको तो रियलिटी में कोई भी बॉडी रिजिड नहीं होती है बट फॉर द ईज़ इन द कैलकुलेशन और ईज़ इन द एनालिसिस हम रिजिड बॉडी मान के चलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम स्टडी करते हैं उसमें हम ये मानते हैं कि बॉडी रिजिड है अजम्पशन होता है सबसे बड़ा जिससे कि हमारे एनालिसिस में ईजी होता है एनालिसिस करना और वही डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स को हम पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में तो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं और डिफॉर्मेबल बॉडीज को हम सोम में पढ़ते हैं अब जो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स होता है उसको फर्दर दो तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है एक होता है स्टेटिक बॉडी मैकेनिक्स और दूसरा होता है डायनामिक बॉडी मैकेनिक्स स्टैटिक बॉडी मैकेनिक्स में क्या होता है स्टैटिक बॉडीज क्या होती है तो स्टैटिक बॉडी वो होती है जिसका एक्सेलेशन जीरो होता है एक्सेलेशन जैसा कि हम जानते हैं वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मतलब पर यूनिट टाइम के साथ वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसको हम एकलेशन कहते हैं तो स्टैटिक बॉडी वो बॉडी होती है जिसका एक्सीशन ज़ीरो होता है एक्सीशन ज़ीरो होगा पर ये ज़रूरी नहीं कि वेलोसिटी भी ज़ीरो हो एक्सेरीशन दो कंडीशन में ज़ीरो हो सकता है पहले कंडीशन तो जब वेलोसिटी हमारी ज़ीरो वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो ऑटोमेटिकली एक्सेलेशन ज़ीरो हो जाएगा और सेकंड कंडीशन वो होती है कि जब पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो एक्सेलेशन क्या होता है एक्सेलेशन होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मतलब कि पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो हमारी पर यूनिट टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है वेलोसिटी कांस्टेंट हो भले ही वो कोई वैल्यू हो मतलब कितनी भी वेलोसिटी हो पर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि स्टैटिक बॉडी जो है वो सिर्फ रेस्ट में हो वही बॉडी स्टैटिक हो वो बॉडी भी स्टैटिक कहलाएगी जो कॉन्सटेंट वेलासिटी से ट्रैवल कर रही है अब डायनामिक बॉडी क्या होती है डायनामिक बॉडी वो होती है जिसमें एक्सीशन जीरो नहीं होता है एक्सीेशन ज़ीरो नहीं होगा तो सीधी सी बात है वेलासिटी भी ज़ीरो नहीं हो सकती अगर वेलासिटी ज़ीरो हो जाएगी तो वो फर्स्ट कंडीशन चल जाएगी एक्सीशन ज़ीरो हो जाएगा वेलासिटी ज़ीरो नहीं होती है एक्सीशन ज़ीरो नहीं होती है एक्सीेशन ज़ीरो कब नहीं होगा जब वालासिटी जो है वो कॉन्सटेंट नहीं होगी पर यूनिट टाइम के साथ वालासिटी चेंज करेगी तो क्या समझ सकते हैं कि स्टैटिक बॉडी वो बॉडी होती जो तो है जो या तो रेस्ट में है या या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है और डायनामिक बॉडी वो होगी जो कि ट्रैवल कर रही है पर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है अब जो डायनामिक बॉडी होती है उसको भी फर्दर हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं पहला होता है काइनेमेटिक्स और सेकेंड होता है काइनेटिक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है काइनेमेटिक्स में क्या होता है सिर्फ मोशन जो है उसकी जियोमेट्री को हम स्टडी करते हैं जैसे वेलोसिटी हो गई डिस्टेंस हो गया और काइनेटिक्स में क्या होता है कि जो फ्लो मोशन है उसका उसकी जियोमेट्री के साथ साथ कि, कि किस कारण से वो मोशन फ्लो हो रहा है उसके कॉजेस को भी स्टडी करते हैं जैसे जियोमेट्री में वेलोसिटी डिस्टेंस वगैरह और कॉजेस में फोर्स की किन फोर्सेस का कारण जो है वो मोशन जो है वो फ्लो हो रहा है उसकी भी हम स्टडी करते हैं काइनेटिक्स में तो काइनेमेटिक्स में सिर्फ जियोमेट्री ऑफ मोशन और काइनेटिक्स में जो है जियोमेट्री ऑफ मोशन प्लस कॉजेज ऑफ मोशन दोनों की हम स्टडी करते हैं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन यहाँ पे ख़त्म होता है वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे बेसिक डेफिनेशंस रिगार्डिंग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स थैंक यू